माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। यह एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतना गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिसमें जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था, यार मैं पूछूं ना पूछूं, पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली, कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की, बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा, यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली, जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपए जुर्माना।
आपके नेता की बात नहीं कर रहा। आप लोग भी हंस सकते हो। तो जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपए का जुर्माना, जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपए का जुर्माना। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धासु आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धासु आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी, बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश, लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी, राजा को अनपढ़ राजा था, उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई एक साल के अंदर। अंत पंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। धीरे धीरे देश की समस्याएं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि राजा एरे गैरे। इससे पहले एक और राजा आया था मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ऐसे ही करता था, कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा, पैसा मेरा, तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया, दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा। सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तो बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माए बाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। ऐसे करते करते 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे,
फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, या बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर। हाहाकार मच गया सब चीजों पे, इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएं दूध पिलाने लायक नहीं बची, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा राजा ने पकड़ पकड़ के। उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। एक महान देश कहां से कहां पहुंच गया। उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य का एक मुख्यमंत्री था। उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई, उनके चेहरे पे भी उम्मीद की किरण छा गई। वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था। वो मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार था। वो मुख्यमंत्री कट्टर देशभक्त था। वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था। उस मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी। भाई साहब, उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया। उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्यमंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कंपनियों पे कब्जा कर रखा था। उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग गया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क, मेरी बिजली कंपनियां लूट जाएंगी, ऐसे कैसे चलेगा। उसने उसको कहा खबरदार, तूने बिजली मुफ्त की। मुख्यमंत्री नहीं माना। धीरे धीरे उस मुख्यमंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। तो राजा ने उसको बुला के और हड़काया। राजा बोला ये क्या कर रहा है तू, स्कूलों के अपने बच्चों को पढ़ाता है तू, स्कूल खोल रहा है, ये बंद कर, ये सब ये नहीं चलेगा इस देश का। वो नहीं माना मुख्यमंत्री। फिर उसने मुख्यमंत्री ने सबके इलाज मुफ्त कर दिया, सबके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, इलाज मुफ्त कर दिया। राजा तो बिल्कुल ही पागल हो गया। धीरे धीरे जनता को पता चला कि राजा कैसा है। एक दिन लोगों ने उस राजा को उखाड़ के फेंक दिया। और लोगों ने एक किसी ईमानदार और देशभक्त आदमी को वहां बिठा दिया और उनकी सरकार आ गई। और उसके बाद देश से महंगाई खत्म हुई और देश रात दूनी चौगुनी तरक्की करने लगा। तो जैसे हम बचपन में सुना करते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी, हिंदी में क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब भाई
इस कहानी में क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। अगर आपके देश में सब गड़बड़ चल रहा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जरा देखो राजा, आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है? अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ के फेंको, नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। वो पढ़ा करते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा सिर बाजी सवा सिर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया।